अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़कात कैलकुलेटर के बारे में। बहुत से लोगों को मालूम है कि ज़कात जो है 2.5% अदा की जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग एक अपना टोटल सरमाया, टोटल अमाउंट बता देते हैं कि मेरे पास इतने लाख रुपए का सरमाया है, इसमें से एग्जैक्ट कितना निकालना है वो हमें बता दीजिए। तो उनके लिए ज़कात कैलकुलेटर है, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। आइए इंटर करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको करेंसी सेट कर लेना है, इंडियन करेंसी, पाकिस्तानी रुपी, यूएस डॉलर, यूरो, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन और सिंगापुर डॉलर। आप हम इंडियन रुपीज़ सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपके पास गोल्ड का अमाउंट कितना है वो टाइप कर लेना है। सपोज़ 2 लाख रुपए का गोल्ड है, उसके बाद सिल्वर का 50,000 का सिल्वर है। बैंक में कैश कितना है, सपोज 1 लाख रुपए। बिजनेस स्टॉक्स हैं तो वो आप ऐड कर लेंगे। कैश इन हैंड 5,000 ऐड करते हैं। उसके बाद शेयर्स अगर हों तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। मैं बिज़नेस स्टॉक्स और शेयर्स को छोड़ता हूँ। और फिर प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद देखें, निसाब वैल्यू, यू आर एलिजिबल टू पे ज़कात, नेटवर्थ, टोटल अमाउंट पे। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर निसाब वैल्यू यानी आज के हिसाब से निसाब कितना है ज़कात का वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। आपने जो अमाउंट डाला है उसके अकॉर्डिंग आप ज़कात के लिए, ज़कात अदा करने के एलिजिबल है या नहीं है वो यहाँ पर यस या नो की शक्ल में आ जाएगा। नेट वर्थ यानी आपके पास कितना अमाउंट है टोटल, गोल्ड और सिल्वर और कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस के हिसाब से, और कितना आपको अदा करना है ज़कात की सूरत में वो यहाँ पर आ जाएगा टोटल अमाउंट पे में। तो कैलकुलेट पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए निसाब का जो वैल्यू है 19,944 रुपये हैं। और यू आर एलिजिबल टू पे ज़कात, यस। नेटवर्थ 3,55,000 रुपये आपके टोटल बने। और टोटल अमाउंट पे यानी 8,875 रुपये आपको ज़कात अदा करनी है। अगर 3,55,000 रुपये आपके पास हैं तो उसमें से 2.5% आपको 8,875 रुपये यानी 8,875 रुपये आपको निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना अमाउंट आप इसमें टाइप कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी।